यहाँ पे मैं थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दूंगा लोकेशन का, यहाँ मैं अपना कर्सर मूव करने वाला हूँ, तो आप देख पाएंगे यहाँ मेरा कर्सर, इस समय देख रहे हैं यहाँ से अगर आप लेफ्ट जाते हैं तो ये है दिल्ली की तरफ रास्ता, यहाँ से आप राइट जा रहे हैं तो आप जा रहे हैं टूवर्ड्स आगरा। तो ये है दिल्ली से जब हम फरीदाबाद के लिए रूट लेते हैं, मथुरा रोड लेते हैं जिसको NH2 भी बोलते हैं, तो दिल्ली से वाया फरीदाबाद पलवल आगरा होते हुए ये वही हाईवे है जिसको हम दिल्ली फरीदाबाद रोड भी बोलते हैं या मथुरा रोड भी आप बोल सकते हैं। तो जब आप दिल्ली से फरीदाबाद होते हुए पलवल होते हुए जब आप वृंदावन एंटर करते हैं तो लेफ्ट साइड में आपने नोटिस किया होगा एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है GLA यूनिवर्सिटी। उसको पार करके हम स्टेट आते हैं तो 100 फीट की चौड़ी रोड है जिसका नाम है छठी करार रोड। इस रोड से हम लेफ्ट लेते हैं तो आपका लेफ्ट साइड में आता है चंद्रोदय टेम्पल की साइड, फिर ओमेश की टाउनशिप आती है, राइट साइड में माँ वैष्णो देवी टेम्पल है, राइट साइड में एक नया मंदिर बना है जिसका नाम है लोटस टेम्पल। इससे हम आगे बढ़ते हैं तो आपका लेफ्ट साइड में आता है प्रेम मंदिर, उसके आगे आता है इस्कॉन टेम्पल, और एकदम ऊपर आप देख रहे हैं जहां मेरा कर्सर इस समय मूव हो रहा है, ये है आपका बिहारी जी का टेम्पल। वापिस आए हम दोबारा दिल्ली से फैजाबाद वाले हाईवे पे, दोबारा मैं दिल्ली से दोबारा एक दूसरी कनेक्टिविटी बता रहा हूँ। तो ये जो रेड कलर का गूगल पिन देख रहे हैं जहां मेरा इस समय कर्सर मूव हो रहा है, ये लोकेशन है केशव मैजेस्टिक के अपार्टमेंट जो हम आप लोगों के लिए लेके आए। इस लोकेशन पे आने के 4 रास्ते हैं। सबसे पहला रास्ता जब हम दिल्ली से फैजाबाद क्रॉस करके पलवल क्रॉस करके वृंदावन पहुंचते हैं तो लेफ्ट साइड में आपने देखा होगा सुनरक रोड है जिसको हम VIP रोड भी बोलते हैं, 100 फीट चौड़ी रोड है। इससे आप स्टेट आते हैं एंड आप सीधा 4 किलोमीटर के बाद केशव मैजेस्टिक लोकेशन में पहुंचते हैं। यहाँ से बिहारी जी का जो टेम्पल है वो मात्र 2 से 3 मिनट के ड्राइविंग डिस्टेंस पे है। VIP रोड से आगे बढ़ते हैं, एक और रोड है रामतल रोड जो कि 100 फीट की रोड है। उससे भी आप स्टेट आते हैं और आपने लेफ्ट लिया, अगेन आप केशव मैजेस्टिक लोकेशन में पहुंच जाते हैं। वापस दिल्ली फैजाबाद रोड पे आए और आगे बढ़े, तीसरी रोड है गरुड़ गोविंद रोड, उससे अगर आप लेफ्ट लेते हैं ये भी 100 फीट की रोड है। वापिस आप VIP रोड के टी पॉइंट पहुंचते हैं, उससे राइट लेते ही आप पहुंच जाते हैं केशव मेजेस्टिक के अपार्टमेंट की लोकेशन पे। फिर हम आगे बढ़े छठीकरा रोड पे आगे आए, ओमेश सिटी पार करने के बाद आपने लेफ्ट टर्न लिया एंड देन स्टेट आए आप केशव मेजेस्टिक की लोकेशन पे। ये हमारा आगरा हाईवे हो गया जिसको हम यमुना एक्सप्रेस वे बोलते हैं। यहाँ से गोल्डन ब्रिज ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुका है जिससे आप सीधा 100 फीट की रोड पे कनेक्ट होते हैं, यहाँ से लेफ्ट लेके आप सीधा केशव मेजेस्टिक की लोकेशन पे पहुंचते हैं। ये जो ब्लू कलर की जो आप बेल्ट देख रहे हैं ये हमारी यमुना रिवर की बेल्ट है जो मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। तो जब VIP रोड पे आते हैं मल्टी लेवल कार पार्किंग की जो लोकेशन पे नॉर्मली हम गाड़ी पार्क करते हैं, फिर यहाँ से रिक्शा लेके बिहारी जी के टेम्पल जाते हैं। तो आप अपने स्टेट केशव मेजेस्टिक अपार्टमेंट में आए, अपनी गाड़ी पार्क की, यहीं पे आप रहे, रात को स्टे करा, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आप चले गए बिहारी जी के दर्शन करने। इससे आगे आते हैं तो हरे कृष्णा ऑर्चिड है, वो भी एक रिजॉर्ट है, वहाँ पे भी टूरिंग डेस्टिनेशन है। तो इस लोकेशन के बारे में अगर हम ओवरऑल हेलीकॉप्टर व्यू से बात करें तो जो यमुना एक्सप्रेस वे से हार्डली 20 मिनट के डिस्टेंस पे है, मथुरा रेलवे स्टेशन से 15 से 20 मिनट के डिस्टेंस पे है, ईस्टर्न एक्सप्रेस पेरिफेरी से मात्र 40 मिनट के डिस्टेंस पे है, जो आगरा हाईवे पे जो जेवर एयरपोर्ट आने वाला है उससे मात्र 50 मिनट के डिस्टेंस पे है ये केशव मेजेस्टिक के अपार्टमेंट जो आने वाले हैं। बिहारी जी के टेम्पल से अगर हम पैदल जाते हैं 10 मिनट का रास्ता है, अगर हम रिक्शा से जाते हैं तो 5 मिनट का रास्ता है, प्रेम मंदिर से 2 से 3 मिनट का रास्ता, इस्कॉन टेम्पल से 3 से 4 मिनट का रास्ता, अक्षय पात्रा से 5 से 7 मिनट का रास्ता, और चंद्रोदय टेम्पल जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है मात्र 3 से 5 मिनट का डिस्टेंस है। तो एक ऐसी लोकेशन जो कि कनेक्टिविटी वाइज बहुत अमेजिंग लोकेशन है, VIP रोड पे लोकेटेड है, ये हुई हमारी केशव मेजेस्टिक प्रोजेक्ट की